आप सभी का अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हमारा प्रश्न था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ था। प्रश्न था, प्राचीन काल की उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जो अंततः सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापित होने का कारण बनी। मतलब आपको बताना था कि प्राचीन भारत की प्राचीन काल की वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, या कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी, इसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। और प्रस्तावना में किन बातों को लिखना है? प्रस्तावना में सबसे पहले आप बताओगे कि सिंधु घाटी सभ्यता होती क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 3 से 4 प्रश्न किए हैं, तो निश्चित रूप से आप बता सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। और जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रस्तावना में लिखते हैं, वहीं पे आप लिखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई उसमें उसके प्राचीन काल से उसके जो कारण हैं, उसके जो निहितार्थ हैं, वो कहां से जुड़े हुए हैं, प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, फिर आप मुख्य भाग में आ जाओगे। सबसे पहले प्रस्तावना में आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब आपने बता दिया 3 से 4 लाइन में, प्रस्तावना आपकी समाप्त हुई, फिर आप अपने प्रश्न के मुख्य भाग में आते हो और जिनमें आपको चर्चा करनी है कि प्राचीन काल की परिस्थितियों के बारे में। तो प्राचीन काल की ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जहां से सिंधु घाटी सभ्यता की पृष्ठभूमि तैयार हुई, या कह सकते हो कि नींव पड़ी। तो इसमें यदि आप देखो कि मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभिक कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य या कृषि के प्रारंभिक अवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। पशुपालन भी मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो चुका था। तो कृषि और पशुपालन कुछ सीमित क्षेत्रों में, कुछ सीमित संख्या में लोग प्रारंभ कर चुके थे। बाद में क्या हुआ, नवपाषाण काल आते आते, नवपाषाण काल के समाप्त होते होते आप देखोगे कि कृषि और पशुपालन का जो ये क्षेत्र है ये बहुत ही विधिवत हो गया, बहुत ही बृहद स्तर ले लिया। और इस समय नवपाषाण काल के समय में आपको देखने को मिलेगा कि कृषि और पशुपालन बड़े स्तर पर किया जाने लगा। और जब कृषि और पशुपालन बड़े स्तर पर किया जाने लगा तो आप समझ रहे होंगे कि प्राचीन काल में लोगों की समस्या क्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि लोग जब शिकार करते थे तभी उनको भोजन की प्राप्ति होती थी, मतलब भोजन के लिए उनको प्रतिदिन शिकार करना पड़ता था। लेकिन नवपाषाण काल आते आते ऐसी परिस्थितियां तैयार हो गई कि लोग कृषि करते थे। जब कृषि करते थे तो उन अनाज उनके पास अवशेष अवस्था में एक सुरक्षित रखा रहता था। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे कृषि के कारण अनाज मिलने लगा, अनाज की जो चिंता थी वो समाप्त हुई। पशुपालन के कारण जो है यहाँ पे अब शिकार करना उतना जरूरी नहीं रह गया, क्योंकि ये जो पशुपालन होता था ज्यादातर मांस के लिए होता था। तो यहाँ से पशुपालन और कृषि से उनका क्या हो गया, पशुपालन और कृषि से उनकी जो भोजन की चिंता थी, भोजन की चिंता उनकी समाप्त हो गई। तो जब भोजन की चिंता उनकी समाप्त हुई और उनको एक अस्थायित्व मिला, मतलब अस्थायी जीवन का शुभारंभ यहाँ से हुआ, तब देखने को मिलेगा कि भोजन की चिंता के समाप्त होने के साथ ही ये तनाव मुक्त हुए। और जब भोजन की इनकी चिंता समाप्त हुई तब इन्होंने नए क्षेत्रों के बारे में नए विचार इनके मन मस्तिष्क में आने लगे, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि कुछ वर्ग इन्हीं में से कुछ वर्गों ने कुछ नए आविष्कार किए, जैसे अनाजों के रखने के लिए मृदभाण और सौंदर्य के लिए आभूषण और चित्रकार्य भी इसी समय प्रारंभ हो चुकी थी। मतलब जब भोजन की चिंता समाप्त हुई तब उन वर्गों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में ध्यान दिया जाने लगा, प्रयास किया गया और मृदभाण आभूषण और चित्रकारी इन सब क्षेत्रों में आपको नवपाषाण काल के समय में कार्य देखने को मिलेंगे। इससे क्या हुआ, जब मृदभाण आभूषण चित्रकारी, इससे क्या हुआ कि एक नया वर्ग यहाँ पे उत्पन्न हुआ। नवपाषाण काल के दौरान ही एक नया वर्ग इन्हीं लोगों में से एक नया वर्ग जन्म लिया, एक नए वर्ग का उद्भव हुआ। और जो ये नया वर्ग था ये शिल्पी वर्ग कहलाया, मतलब शिल्पी वर्ग का उद्गम नवपाषाण काल के समय में ही हो गया था। अब जब शिल्पी वर्ग का उद्गम हुआ तो इनमें से जिन लोगों की चित्रकारी अच्छी थी, आभूषण मृदभाण, तो जो लोग ये सारे कार्य करते थे ये कृषि से विमुख हो गए। तो यहाँ पे दो वर्ग बचे रह गए, एक हो गया जो कृषि और पशुपालन करता था, एक शिल्पी वर्ग हो गया जो मृदभाण आभूषण चित्रकारी इन सब कार्यों में संलग्न था।
तो ये जो दो वर्ग थे, अब शिल्पी वर्ग के पास भोजन की समस्या थी कि ये भोजन कैसे, अपने आप की भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि प्रारंभिक दौर में क्या हुआ कि कृषक जो होता था वो अपने अनाज देकर इनके कुछ उत्पाद लेता था, जैसे मृदभाड़ हो गया, आभूषण हो गया, इस तरह से लेन देन जिसको आप बाटला सिस्टम बोलते हो, इस तरह से कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ हुआ। और जब धीरे धीरे ये व्यापार चलने लगा, व्यापार फलने फूलने लगा, तो आने वाले समय में क्या हुआ कि ये व्यापार जो है, जो शिल्पी वर्ग होता था, ये अपने व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक जाने लगा, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाने लगा, क्योंकि इसको क्या जरूरत थी, अनाज की जरूरत थी। और अनाज कैसे प्राप्त होता था, जब इसके द्वारा बनाए हुए मृदभाड़ या आभूषण ये कृषकों को देते थे उस समय के, तो इनको उसके बदले में अनाज मिलते थे। तो प्रारंभिक दौर में जो व्यापार था वो एक बस्ती से दूसरे बस्ती, एक गांव से दूसरे गांव, एक कबीले से दूसरे कबीले के मध्य प्रारंभ हुआ। इस तरह से व्यापार का एक प्रकार से देखें नया स्वरूप आपको यहां पे देखने को मिला। बाद के वर्षों में क्या हुआ, बाद के वर्षों में ये जो व्यापारिक व्यवस्था थी एक गांव से दूसरे गांव तक जाने की, ऐसा हुआ कि इन लोगों ने एक कॉमन पॉइंट तय किया कि एक निश्चित स्थान तय किया कि जहां पे शिल्पी वर्ग जो है वो चला जाया करता था, जो कृषक वर्ग होता था वो चला जाया करता था, और दोनों अपने वस्तुओं के आदान प्रदान के माध्यम से व्यापार करते थे। तो यहां से क्या हुआ, जब एक निश्चित स्थान एक निश्चित हो गया व्यापार के लिए कि इसी स्थान पर दोनों वर्ग आएंगे और यहाँ पे व्यापार होगा, तो इसने क्या लिया, बाद में इसी जो निश्चित पॉइंट था इसके आसपास लोग बसने लगे। क्यों बसने लगे, क्योंकि इनकी जो जरूरतें होती थी वो इसी क्षेत्र से पूरी होती थी, इसी स्थान से पूरी होती थी। फिर इसी क्षेत्र के आसपास लोगों का जमावड़ा होने लगा, लोगों की बस्तियां बनने लगी, लोगों के आवास बनने लगे, और इसने क्या कर लिया, एक बाद में एक बाजार का स्वरूप, एक नगर का स्वरूप ले लिया, और वही सिंधु घाटी सभ्यता में परिलक्षित होता है। कि सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखते होंगे कि नगर नियोजन किस तरह से है, तो जो नगरों का उद्भव हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में, उसकी कहीं ना कहीं जो विषय वस्तु थी उसकी कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखें नीव तो नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल में रखी गई थी, यही आपको बताना था। उम्मीद करता हूं आप सबने बेहतर उत्तर लिखा होगा, अभी तक किसी के उत्तर को चेक नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि आप सबका उत्तर कैसा है, लेकिन आप सबने प्रयास किया होगा इतना विश्वास है हमारा। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, आपको एक बेहतर उत्तर इस बिंदु पर कैसे लिखा जाए देखने को मिल गया होगा, जिनकी कुछ कमियां होगी वो देखकर दूर कर सकते हैं, और इसी तरह से आप अपना सहयोग देते रहें, निश्चित तौर पर आपको इसी तरह से ज्ञानवर्धक चीजें आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद।